Setting G. Deny. ट्रायड सिस्टम एक्सप्लेन करो, कल तो किया था ट्रायड, फिर ट्रायड नहीं किया था। चलो आपकी बुक, मेरी बुक है नोवलानी सीरीज, नाम है बुक का नोवलानी। स्टूडेंट है मेरी, उसने एमसीक्यूज को टाइप करवाया, एमसीक्यूज तकरीबन खतरनाक एमसीक्यूज हैं, खतरनाक, समझ रहे हैं ना, मतलब सेटिंग सही नहीं है बुक की। एमसीक्यूज ढूंढने में आपको मसला होगा, दो तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी की में बहुत बड़ा मसला है, ये बुक में होता रहता है, एमसीक्यूज ताकत वाले हैं। तो ये फिब्यूला नहीं है, ये फीमर है, बुक की मिस्टेक है। और हाँ, क्या कहा, वो ट्रायड सिस्टम, तो ट्रायड सिस्टम को पढ़ने से पहले भला मेरा दिल करता है कि सारा ये जो मसला है रिगार्डिंग ट्रायड सिस्टम सारा क्लियर कर दें, इसके आगे पीछे नीचे ऊपर इधर उधर, है ना। एक होता है टी ट्यूब्यूल, एक होता है टी सिस्टम, एक होता है ट्रायड। अब टी ट्यूब्यूल का मतलब है ये सार्कोलेमा से अंदर जो ट्यूब जा रहा है, एक एक को हम क्या कह रहे हैं, आपको पता है, यहां से एसिटाइल कोलीन आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा, मतलब सोडियम अंदर आएगा और सोडियम का के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जाएगा। ये एक नहीं होगा, इसके ब्रांचेस होंगे फर्दर, इधर उधर 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 बहुत सारे, ये ट्यूब्यूल के ब्रांचेस होंगे, ब्रांचेस उसके ब्रांचेस, जो सारा टी ट्यूब्यूल का सिस्टम है उसको टी सिस्टम कहते हैं। मतलब ऑल टी ट्यूब आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक मसल के लिए, एक सेल के अंदर टी सिस्टम, एक सेल का अपना अपना होगा, एक सार्कोलेमा से अंदर निकलेगा सारे सेल में फैल जाएगा, ठीक है। इसकी पहुंच कहां तक होगी, एसीआर तक, सही है ना। चलो अब टी सिस्टम भी क्लियर हो गया, ट्रायड क्या है, सपोज करें ये है क्या टी ट्यूब्यूल, तो ये टी ट्यूब्यूल की मैंने चोटी बना ली। अब या ये टी ट्यूब्यूल की चोटी है, ये टी ट्यूब्यूल की चोटी है, वैसे तो बहुत ब्रांचेस हैं, मैं इधर ही बना रहा हूं। अब यहां से टी ट्यूब्यूल के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की ट्यूब है जो इधर से भी ये ईआर को स्टिमुलेट करेगा, इस साइड वाले भी ईआर को स्टिमुलेट करेगा। तो एक टी ट्यूब्यूल के साथ कितने ईआर होते हैं, एसईआर दो, तो ये तीन हो गए ना टोटल, इन तीन को ट्रायड सिस्टम कहते हैं। मतलब ट्रायड में कौन आ गया, टी ट्यूब्यूल प्लस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इधर से भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये टी ट्रायड है, और ट्रायड सारे मिला के ट्रायड सिस्टम, ठीक है। टी ट्यूब्यूल मिला के टी सिस्टम, ट्रायड एक, ये कंसिस्ट ऑफ तीन ट्यूब, और ऐसे सारे के सारे जहां पे जंक्शंस होंगे उन सारे जंक्शंस को क्या कहेंगे, ट्रायड सिस्टम, ठीक है भाई। नंबर मैं भेजूंगा आज बुक स्टोर वाले का, कल वो मेरे पास आया था, उसने डिस्कस की कि जो बच्चे एमसी की बुक लेके जा रहे हैं वो दोबारा पूछ रहे हैं बुक का, तो हम ना, मुझे उसने कहा है कि आप न्यू एडिशन बना के दें, तो मैंने जो कमीशन का झटका आया मुझे, तो मैं चुप हो गया, नहीं तो मेरा फुल मूड था बुक को पब्लिश करने का, मगर अब उसने फिर मूड बनवा दिया है, तो मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वेरी वेरी सून 10 दिनों में चीज़ों को, एमसीक्यूज को खाली अरेंज करना है बस, मैं बुक पब्लिश करने के लिए दे दूँगा, और उसको मैं अपना नाम दूंगा। इसमें एक लड़की की मेहनत थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एमसीक्यूज भले मेरे हों, मैंने उसका नाम दिया, उसकी विल थी, विश थी कि सर मैं एमसीक्यू बुक वाली बनना चाहती हूँ, ठीक है भाई। तो अभी ये पब्लिश होगा, पुराने बुक की कापीज 100-150 पड़ी होंगी उसके पास, तो मैं उसका नंबर भेजूंगा, आप उससे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज देगा आपको, जहाँ पे भी आपको बुक चाहिए ये जी।
एक सेल में एक एसीआर होगा, उसके ब्रांच सारे सेल में फैला होगा जी, सिस्टर नहीं ब्रांचड होगा। कहां पे पहुंचे थे ये कर लिया था 83 पक्का बोलो सुठो याद था यार। ईच स्केलेटल मसल हाँ हो गया, क्या था इसमें मसल बंडल ठीक है। दपा यार एक एमसीक्यूज था, हमने गलत कर दिया था, हमने गलत कर दिया था और बड़ा ध्यान दे के फिर भी गलत कर दिया था, बड़ा ध्यान दिया था मैंने भी और आपने भी, फिर भी वो एमसीक्यूज गलत हुआ था। एक मिनट में उसको नहीं नहीं वो विच वन 42 42 चलें उस पर चलें, एक मिनट उस पे चलें 60 70 42 ये गलत किया था ना यार। स्ट्राइडेड कहाँ है तो सिंपल, मगर हमने गलत किया, मैंने भी और आप जितने बैठे हैं सबने, तो 100 दिमाग यूज करके फिर भी हमने इतना सा कोई ट्रिक नहीं है फिर भी गलत कर दिया, तो खोपड़ी हमारी पता नहीं कहां पे थी ठीक है। नॉट कैरेक्टर, अब ये कहां से कैरेक्टर आ गया सिमूथ का, ये कहां से आ गया, ये भी तो सही है ना, मतलब कैरेक्टर नहीं पूछ रहा, ये भी नहीं है, ये भी टिक करना चाहिए ए हाँ ए सिमूथ का कैरेक्टर नहीं है और बी भी नहीं है सी भी नहीं है, क्या किया था हमने सही किया था। अच्छा सेट किया था मुझे याद नहीं आ रहा, चलो खोपड़ी खराब हो गई है भाई, आज आखिरी दिन है बस छोड़ेंगे जान इस चैप्टर की 43 44 द पार्ट ऑफ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट पता है ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट द आर्म एट एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट पर कौन आर्म को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फ्लेक्सेशन तो नहीं पूछा उसने, बेंड का भी नहीं कहा, मगर हम यहाँ पे एक्सटेंशन की बात नहीं लेंगे, फ्लेक्सर की बात ठीक है। वैसे ये भी कॉन्ट्रेक्शन है, ये भी कॉन्ट्रेक्शन है, ये बाइसेप की कॉन्ट्रेक्शन है और ये ट्राइसेप की कॉन्ट्रेक्शन और बाइसेप की रिलैक्सेशन, मगर हम ज्यादा प्रायोरिटी हाँ बाइसेप को देते हैं। तो वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट आर्म एट एल्बो ज्वाइंट, बाइसेप, ब्राकी, ब्राकियालिस, ब्राकियो रेडियालिस, ट्राइसेप। मसला है बड़ा, ये बड़ा मसला है, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही ठीक है, सारे सही हैं, डी नहीं है, तो अब क्या करें, हमने क्या लिया कॉन्सेप्ट क्या लिया कि भाई फ्लेक्सेशन को ले लेंगे, मगर तीन ऑप्शन ये तीनों फ्लेक्सेशन करवाते हैं। अब हमारी जो खोपड़ी है वो आर्ड को चुनेगी है ना, समझ आ रही है नहीं भाई। पहले तो मैंने लाइन को देख के मैंने कहा मैं क्या लूंगा कॉन्ट्रेक्शन लूंगा, मगर ये भी बाइसेप का पार्ट, ये भी और ये भी, तीनों फ्लेक्सर हैं, तो अब कैसे, अब एक है ट्राइसेप जो के नीचे है जो के अकेला है, अब क्या करना चाहिए आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए नहीं अब वो हम जो कह रहे थे ना कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो सारे करेंगे मगर ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फ्लेक्सेशन के लिए और ये एक्सटेंशन के लिए, तो तीनों और वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम जनरली ऑड को चुनेंगे, जनरली हम ऑड को चुनेंगे उस हाँ अगर यहाँ पे सीधा होता विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एट आर्म फॉर द फ्लेक्सेशन, तो अब हम ना चाहते हुए भी भले ये तीन हो इसको हम टिक नहीं करेंगे, फिर इनसे कोई अच्छा ऑप्शन चुनेंगे, समझ आ रही है मेरी बात। ऐसे आएगा नहीं एमसीक्यूज इतना मसले वाला, मगर फिर भी कर लेते हैं कि आइडिया हो कि एमसीक्यूज को देखना कैसे है,
समझ आ रही है? ये बड़ा मसला है, ये छोटी चीज़ है मगर बहुत बड़ा मसला है। तो मैं यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है इसीलिए डी कर रहा हूँ। अगर ये फ्लेक्सेशन की बात करता तो मैं बाइसेप को ज़्यादा प्रायोरिटी देता बाकी सब से, ब्राकियालिस से, ब्राकियोरेडियालिस से ज़्यादा बाइसेप ब्राकी को देता, क्योंकि ये मेन है, ये साइड में उसके दूसरे नंबर पर इसकी इम्पॉर्टेंस है, तीसरे नंबर पर इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये फ्लेक्सेशन करवाती हैं। कंप्लीट इमोबालाइजेशन ऑफ मसल लीड्स टू, कंप्लीट आप इमोबिलाइज हो जाएं, मतलब दिन को 12 घंटों में से 10 घंटे नींद करें, रात को भी उठने का मूड ना करें, एक्सरसाइज कोई भी नहीं, घूमना फिरना नहीं, बस सोए रहना है। शायद कोई बीमारी है या कोई ऐसा कुछ है, तो अब क्या होगा? मसल वीकनेस एंड सीवियर एट्रॉफी, सेंसेस ऑफ मोर मायोग्लोबिन क्यों बनेगी भाई? आप वर्जिश थोड़ी कर रहे हैं कि ये वर्जिश करेंगे, रोज़ मसल को फटीग करेंगे, मसल पर दबाव डालेंगे, ओवर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये ऑप्शन होगा। समझ आ रही है? मसल कहेंगी हमें इवॉल्व होना है, ये हमें छोड़ ही नहीं रहा, रोज़ सजा दे रहा है, एनरोबिक रिस्पायरेशन करवा रहा है, इंक्रीज इन मसल साइज, ये भी सेम बात हो गई, ठीक है, फूल जाएगी मायोग्लोबिन की वजह से, मसल बिकम रेजिस्टेंट टू फटीग, काम किया कहाँ है कि रेजिस्टेंट हो जाए। रेजिस्टेंट टू फटीग का क्या मतलब है? कल आपने, आपके मसल में 10 मिनट का पावर है, आपने 11 मिनट एक्सरसाइज कर दी, तो एक दो तीन दिन में मसल ने 1 मिनट का पावर बढ़ा दिया, और आपने अगले दिन 12 की 13 किया, बढ़ते गए, मसल ने भी पावर बढ़ाना स्टार्ट किया, अब फटीग की रेजिस्टेंट हो गए। अब मसल कह रही है जितनी मर्जी चाहे एक्सरसाइज कर लो, इतना पावर है, इतनी स्टोरेज है, इतना हमने अपने आप को मेंटेन कर लिया है कि 100 केजी ले लो, 200 केजी उठा लो, जंप मारो, ये मारो, नो फटीग, तो ये रेजिस्टेंट है, ए होगा। इन प्लेंटी ग्रेड मोड ऑफ लोकोमोशन द मेमल यूज वॉक ऑन देयर, ये किया था हमने, प्लेंटी डिजिटी अनगुली ग्रेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नहीं भाई, सुने, कुछ एनिमल होते हैं जो अपने टोज पे घूमते हैं, पैर की ओनली उंगलियां, कुछ एनिमल होते हैं जो टोज पे तो घूमते हैं मगर टोज के ऊपर, मतलब नीचे हूव होता है, हूव्स होते हैं, हूव समझ रहे हैं, खुरी, ठीक है। और तीसरे एनिमल होते हैं जो कंप्लीट पैर यूज करते हैं, यानी सोल भी और हील ना एडी, हील भी यूज़ करते हैं पैर की। अच्छा, क्या लिखना चाहिए? SOLE, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है इसीलिए, ठीक है। तो तीन टाइप के हैं एनिमल, साल्टेटरी भी होते हैं, साल्टेटरी समझ रहे हैं, जंप, रैबिट, टपक टपक ऐसे। तो ये सोल कंप्लीट कौन यूज करेगा? ह्यूमन और एप्स, मंकीज, चिंपांजी, है ना, बोले बांदर वगैरह, ये वो, इनको कहेंगे प्लेंटी ग्रेड। क्या कहेंगे? प्लेंटी ग्रेड एनिमल। तो प्लेंटी ग्रेड मोड ऑफ लोकोमोशन द मेमल यूज टू वॉक ऑन देयर सोल्स, और साथ हील भी होता तो वाह वाह, मगर नहीं है, चलेगा, है ना। कंप्लीट फीट यूज करे इसके लिए, कंप्लीट फीट भी यूज करता है, कंप्लीट पैर यूज करना तो भी चलेगा। उंगलियां हमारी छोटी हो गई हैं क्योंकि सोल हमारी बड़ी हो गई है, उसके ऊपर सेंट्रल ग्रेविटी को बैलेंस करना है, उठना है, भागना है, सरफेस एरिया हमारे पैरों का सबसे बड़ा है। चलो भाई, टोज पे घूमने वाले एग्जांपल बताएं, इनको हम कहेंगे डिजिटी ग्रेड, डिजिट्स पर घूमने वाले, प्लेंटी ग्रेड, डिजिटी ग्रेड का एग्जांपल कुत्ता, डॉग, कैट, बर्ड्स का पता है, बर्ड्स टेक्निकल है, नहीं आएगा मगर फिर भी बता रहा हूँ,
बर्ड्स का जो ये एड़ी वाला पोर्शन होता है ना और सोल वाला, ये पैर के अंदर नहीं होता, ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये वाला, ये इसकी एड़ी और सोल मान ली। इट मीन्स बर्ड की जो एड़ी है वो इधर है, ऐसा सिस्टम है बर्ड के पैर के अंदर, उंगलियों पे घूमता है। कुत्ता लाइन लाइन कैसे घूमता है आपने देखा है, उसके उंगलियों पे चलता है, उसका जो सोल होता है वो ऊपर होता है, उठा होता है, ओनली ओनली डायरेक्ट टोज पे घूमता है। तो डिजिटी ग्रेड, समझ आ रही है? अनगुली ग्रेड किसको कहेंगे, तीसरा टाइप, टोज पे घूमे मगर टोज से ज्यादा घूमना है, गंदी जगहों पे घूमना है, पावर लगाना है, टोज इतनी इवॉल्व नहीं है इसीलिए नीचे मजबूती के लिए हूफ भी लगा दिए हैं। तो जो हूफ्स एनिमल हैं, काओ है, बफेलो है, बकरी है, हॉर्स है, ये एनिमल आर कॉल्ड एज अनगुली ग्रेड, डिजिटी ग्रेड, प्लेंटी ग्रेड। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अच्छा, ये क्या होगा ऑप्शन? डिजिटी ग्रेड, एग्जाम्पल डॉग, टिप्स ऑफ टोज, टिप्स ऑफ टोज, इसमें फर्क है, डिजिट्स और टिप्स उनकी, ये भी तो डिजिट ही है ना, मगर वो पूरी डिजिट यूज करेंगे, कंप्लीट डिजिट यूज करेंगे 100% डॉग वगैरह, ये डिजिटी ग्रेड। ये चोटी यूज करते हैं क्योंकि नीचे हूफ होता है, तो अनगुली ग्रेड, ये अनगुली ग्रेड है, मतलब इनके अंदर टिप्स ऑफ टोज प्लस में क्या होगा, हूव्स भी होंगे। समझ आ रही है बात? हॉर्स के अंदर एक उंगली है बीच वाली, बस ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, रिड्यूस। पहले पेंटा पेंटीग्रेड होते थे, पांच उंगलियों वाले, फिर चार, ट्रेट्रा डिजिटेट और ट्राई डाय, अब मोनो डिजिटेट हैं हॉर्स। क्यों? हॉर्स ने कहा इतना भागना भाई कार है फोटो कर, घोड़ो तेज तेज भजी सक दो। एंटीग्रेड मां पढ़ाए वाचा एंटीग्रेड, अले केर चले तो एंटीग्रेड रिपीट कयो, प्लेंटी पढ़ाया है या आपकी इंग्लिश भी मेरी तरह है? प्लेंटी ग्रेड पूरा पैर यूज करना, सोल और हील, डिजिटी ग्रेड कंप्लीट टो यूज करना कंप्लीट, और अनगुली ग्रेड टोज की टिप्स यूज करना प्लस में हूव्स। ठीक है, वो घोड़ेल शाह वाली बात सुनी है? अल्लाह अकबर, बोन टू बोन अटैचमेंट इज बाय, हाँ पक्का, ऑल ऑफ द फाइबर इन्वर्टेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन, मोटर यूनिट का पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट, मोटर यूनिट न्यूरो यूनिट में डिफरेंस पढ़ा था, नहीं पढ़ा था मोटर बॉक्स नहीं पढ़ा था? सुने भाई, न्यूरो यूनिट कहते हैं, न्यूरो यूनिट कहते हैं कोई चार पाँच दस न्यूरॉन मिलके कहीं जा रहे हैं तो उनको न्यूरॉन का एक यूनिट यूनिट के फॉर्म में है, या कोई न्यूरॉन एक ही काम के लिए हों, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिंपैथेटिक के एक ही साथ आते हैं, यूनिट के फॉर्म में आते हैं, जो वेगस नर्व है ना ये यूनिट है, ये न्यूरो यूनिट है। समझ आ रही है? वेगस नर्व, वेगस नर्व जिनको पता है उनको समझ आ रही है। मसल यूनिट, मसल का यूनिट मोटर यूनिट, अब मसल मिलके काम करेंगे तो मसल का वो यूनिट होगा। मोटर यूनिट क्या है? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द फायर इन्वर्टेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन कॉल्ड मोटर यूनिट होगा। अब ये मोटर न्यू यूनिट सुने, शायद मैंने पढ़ाया था तो ना पढ़े ना, सारे जो टर्मिनल्स हैं उन सबको मिला के
उन सबको मिला के क्या कहेंगे, मोटर यूनिट, और एक को सार्कोलेमा के साथ क्या कहे कहा था हमने, मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट मतलब एक न्यूरॉन की चोटी और सार्कोलेमा, हाँ ये जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है इसको क्या कहेंगे, मोटर एंड प्लेट। और ये सारे न्यूरॉन 400 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, सब मिला के सब मसल को मैसेज दे रहे हैं, ये मोटर न्यूरॉन का यूनिट बना हुआ है, ये सबको मैसेज देगा। अगर सबको मैसेज देगा या तो सारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जिनको मैसेज मिल रहा है, या तो कोई नहीं। तो रिस्पांस पढ़ा था हमने ऑल आर नो रिस्पांस, तो ये मोटर यूनिट के हिसाब से था। हाँ भाई, द फ्लेक्सेशन एट द एल्बो जॉइंट ऑफ मेन इज प्रोड्यूस बाय द मसल कॉल्ड, वही ऑप्शन ऊपर वाला सवाल आ गया। अब तीन टाइप के वो मसल सुने जो फ्लेक्सेशन, अब यहाँ पे सीधा पूछा है इसने, बाइसेप, ब्राकी, ब्राकियालिस, ब्राकियोरेडियालिस, ए सही है, ए और सी सेम है, इसीलिए बोथ ए एंड सी एमसीक्यूज बनाने वाले ने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है, यहाँ पे कोई और नाम देना चाहिए था, फिर ये सही था। ट्राइसेप कैसे, ये आधा है, ये आधा है। मोटर बॉक्स जो है ना, जो न्यूरॉन का एक कॉर्ड होता है, कॉर्ड होता है ना, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड का मतलब है, या नर्व कॉर्ड, और एक होता है न्यूरो यूनिट। अब स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत सारे न्यूरॉन है, ये कॉर्ड बना हुआ है, बड़ा धागा बना हुआ है, उससे छोटी लेवल का न्यूरॉन का यूनिट हो सेंसरी या मोटर का, तो उसे न्यूरो यूनिट। अब इसके या उसके ऊपर अगर कोई कवरिंग हो, कवरिंग है प्रोटेक्शन के लिए, मायलिनिन से बाहर उनको साथ रखने के लिए, जोड़ने के लिए, सॉरी मायलिनिन के अंदर होती है, मायलिनिन के अंदर, उसको हम कहते हैं मोटर बॉक्स। और ये ज़्यादातर जो मोटर न्यूरॉन यूनिट के फॉर्म में जाते हैं उनके ऊपर होती है मोटर बॉक्स। नर्व, नर्व, नर्व कॉर्ड, नर्व मतलब 2, 3, 4, 5 न्यूरॉन जा रहे हैं, और न्यूरॉन, नर्व फाइबर, नर्व सेल, तो एक की बात हो रही है, न्यूरॉन, नर्व फाइबर, कभी कभी नर्व फाइबर एग्जॉन के लिए टर्म यूज़ होता है अकेले के लिए, तो ये जनरल टर्म है, इधर उधर यूज़ हो सकता है। हाँ भाई, ये किए थे ना आगे, इन आर्थ्रोपोड ऑल चेंजेस ऑफ मोल्डिंग आर, ये काम का था, ये काम का था, बाहर से है मगर आ सकता है। इकडाइसोन एक हार्मोन है, जो इकडाइसोन एक हार्मोन है जो इकडायोसिस करता है, यानी मोल्डिंग करवाता है। मोल्डिंग का पता है ना, क्या उतारना, शेड करना एक्सोस्केलेटन को, इंसेक्ट में होता है, जब साइज बढ़ती है तो स्केलेटन मसला करता है, इसीलिए ये एक्डासोन केमिकल होता है, हार्मोन होता है, ये मैसेज देता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से प्रोड्यूस होता है, इसके लिए एक्डाजोम वेसिकल होती है, उससे निकलता है और ये काम करवाता है। ईच ए बैंड हैज अ लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन। अब कभी ये बिल्कुल इजी है, मगर कभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में आंसर निकालने के लिए ईच ए बैंड लाइटर स्ट्रिप को देख के, वो अगर ई ऑप्शन बना लें आई बैंड, तो जल्दी टिक कर लेते हैं। तो लाइटर किसकी, ए बैंड की, मतलब वो अनओवरलैप्ड एरिया ऑफ ए बैंड पूछ रहा है, तो एच जोन होगा, ठीक है। बस एमसीक्यू इतना खास नहीं था, मगर जल्दी वाले बच्चों के लिए था, सबक था। Which is not the common site of sprain injury? आगे किए हुए हैं, कल वाली PDF मैंने एक में ही शामिल कर दी है, तो ये कल वाले MCQs होंगे, ये कल वाला है, ये अब कितने किए थे, Which of the following feature properly describe the smooth muscle? वैसे भी easy था, okay. ATP is necessary for muscle contraction because connective tissue wrapping around the muscle that is found continuous with tendon, नहीं किया था भाई। Cross bridge are the part of, ये मसले वाला MCQ है, बिल्कुल easy है मगर मसले वाला है, पता है
मैं कहता हूँ कि लकीर के फकीर ना बने। मैं ऐसे MCQs इजी MCQs अभी कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। कुछ ऐसे MCQs हैं जो हम बुक की लाइन को फॉलो करते हैं मगर ऐसा होता नहीं है। क्रॉस ब्रिज आर द पार्ट ऑफ, अगर पूछे किसके बीच बनती है तो एक्टिन मायोसिन, डिटेल ऑप्शन देते जाएं भाई एक्टिन की, जी एक्टिन इसका ये वो एड वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्रॉस ब्रिज इसका जो यहाँ पे मतलब हो रहा है ना, हेड के लिए पूछ रहा है। सॉकेट थोड़ी ब्रिज बनेगा, सॉकेट थोड़ी, सॉकेट पे जाके ब्रिज बनेगी। असल जो ब्रिज का पार्ट होगा, कंपोनेंट होगा, वो हेड होगा। हेड मायोसिन का है तो मायोसिन ब्रिज है, ठीक है, बनेगी दोनों के बीच। मगर जो ब्रिज है वो माय, ये इससे सबक है। कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग अराउंड द, लपेटा हुआ है अराउंड द मसल, मसल मतलब कंप्लीट मसल है ना, बड़ा बंडल। बस आंसर मिल गया, इसको कोई और कर दें, ठीक है। एपिमाइसियम, एंडोमाइसियम था ऐसा ही कुछ, मगर कंप्यूटर वाला क्या करें, लेजेंड है। वैसे लेजेंड है, टाइपिंग इतनी तेज है, कभी कभी 10 मिनट में भी 60 MCQs दे देता है, मगर हालत ये होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बैंड 92, देखें फिर से क्या था 92 में, वो तो चलो चलते हैं उसके ऊपर। पर स्प्रेन, स्प्रेन वाला था ना, रिस्ट एंकल, एंकल एंकल के अंदर, नॉट कॉमन पूछ रहा था तो हेड में नहीं होगी, ऐसा था ना, थोड़ा याद आ रहा है, कल किया था हमने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बैंड, समझ आ रही है। आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पोलराइज और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम है, नहीं नहीं पढ़ा? कोई ऑब्जेक्ट से प्लेन पोलराइज लाइट पास करें, केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो जो पोलराइज होगा वो एनआइसोट्रॉपिक बनेगा ना, भाई मैं कह रहा हूं मायोसिन जो है ना, मायोसिन वो पोलराइज्ड है, एनआइसोट्रॉपिक है, पोलराइज एंड एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक तो मानते हैं ना, मगर प्लेन पोलराइज लाइट से वो डार्क बैंड बनाता है और जो थिन फिलामेंट है वो नॉन पोलराइज है और आइसोट्रॉपिक है। जो थिन फिलामेंट है वो क्या है, नॉन पोलराइज और क्या, आइसोट्रॉपिक। रटा लगेगा ये, चलो लग गया ना। अब MCQs करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बैंड, मुझे लगा ये आपको कन्फ्यूजन होगी और हमने इसको क्लियर नहीं किया था, इसलिए मैंने ये MCQ ऐड किया। हाँ भाई क्या होना चाहिए, मायोसिन एक्ट एज अ पोलराइजर ऑफ लाइट, ये अच्छा पढ़ा है MCQs, नॉन पोलराइजिंग पोलराइजिंग है, इट इज एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक है, इट कंटेन ओनली मायोसिन, झूठ, थोड़ी थोड़ी एक्टिन भी ओवरलैपिंग है ए बैंड में, है ना, ओके। MCQs मायोफिब्रिल शो अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट, पता है भाई कार्डियक में, स्मूथ में, स्केलेटल में या बोथ ए एंड सी में, अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड, मैं कह रहा हूं सुने सुने भाई, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड आपको मिलेंगे स्केलेटल में भी,
कार्डियक में भी, मगर कार्डियक में इन दोनों के साथ इंटरकैलेटेड डिस्क वाला बैंड भी मिलेगा। ये कार्डियक में अल्टरनेट ही होंगे, ऑर्गेनाइज हैं, सार्कोमेयर हैं, सार्कोमेयर में एक्टिन और मायोसिन है, ब्रिज बनती है, एक्टिन के नीचे एक्टिन, एक्टिन के नीचे एक्टिन, मायोसिन के नीचे मायोसिन, सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ, थोड़ी एक्टिन और मायोसिन कम है मगर ऑर्गेनाइज है। तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड हैं, लाइट एंड डार्क बैंड इंडिकेट मायोसिन थिक फिलामेंट एंड दोनों में है, मगर ये डबल स्ट्रिप्टेड है, डबल स्ट्राइएटेड मतलब डार्क लाइट बैंड ड्यू टू द थिन एंड थिक फिलामेंट प्लस में इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से भी बेंडिंग है। तो ओवरऑल तो इरेग्यूलर है, मगर क्या लाइट और डार्क अल्टरनेटिवली नहीं मिलेंगे? लाइट डार्क तो अल्टरनेटिवली हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ एमसीक्यूज वाला कहे मायोफिब्रिल शो लाइट एंड डार्क एंड लाइट बैंड ओनली, तो आपको जाना चाहिए स्केलेटन पर। अगर ये जनरल बात को कपड़े में लपेट के ऐसे फेंक दे तो आपको भी, मेरा ख्याल है, दोनों आंसर देने चाहिए, मेरी जो खोपड़ी काम कर रही है। क्योंकि ये ऑप्शन देने का मकसद क्या था, है ना, ये ऑप्शन देने का मकसद क्या था? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ, अगर पूछे मायोफिब्रिल शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड विद अदर इरेग्यूलर बैंड या डिस्क के वजह से बैंड, तो आप ओनली कार्डियक करेंगे, फिर स्केलेटल नहीं करेंगे। क्या क्या कमेंट्स हैं आपके, बताएं, सही होना चाहिए या ओनली स्केलेटन होना चाहिए? कहाँ स्केलेटन कहो आने डी, नहीं वो बात नहीं है, मेरी बात से एग्री ना हो जाएं, आपकी खोपड़ी जो डिसाइड करे, जहाँ पे आप मुतमैन हो, फ्री फ्रेंकली मुझसे बात किया करें, ठीक है ना, मैं भी इंसान हूँ ना, गलती मुझसे नहीं होगी क्या? कभी कहाँ दिमाग होता है, कभी कहाँ, कभी कहाँ। मायोफिब्रिल पूछ रहा है, कंप्लीट मसल कहाँ पूछ रहा है, अब तो मेरी फेवर में हो गई बात, और है ना, मायोफिब्रिल पूछ रहा है ना भाई, कंप्लीट मसल नहीं पूछ रहा। अच्छा नहीं, मायोफिब्रिल में भी इंटरकैलेट मायोफिब्रिल मायोफिब्रिल से कनेक्टेड होंगे, सही है, फिर भी आपकी बात सेम हो गई, लड़ाई हो रही है बातों में। चलो मैं ये प्रेफर करूँगा, मैं ये प्रेफर करूँगा आंसर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ए बैंड इज मेड अप ऑफ थिक मायोसिन फिलामेंट। स्टेटमेंट सही है मगर क्लियर नहीं है, कपड़े में डाल के इसने फेंक दिए स्टेटमेंट, ऐसा ही है ना, क्या हो गया, इधर इधर फिर इधर अब इधर, हाँ भाई ये सही है मगर क्लियर नहीं किया इसने कि एक्टिन भी होनी चाहिए ए बैंड में ओवरलैप्ड। चलो थोड़ा बहुत सही है, वेटिंग में रखते हैं इसको। एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ ए बैंड, हाय हाय है कोई इसके अंदर गलत बात। एक्टिन एंड मायोसिन आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन विद कंट्रैक्टिलिटी, मतलब का एक्टिन और मायोसिन पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, सही है, पॉलीमराइज हैं, इनके मोनोमर्स हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के बनी हुई हैं, जैसे मायोसिन मीरो मायोसिन या छोटे छोटे एक एक मायोसिन की बनी हुई है, और एक्टिन दो एक्टिन दो दो एक्टिन दो एक्टिन में भी जी एक्टिन एफ एक्टिन और दो ट्रोपोमायोसिन और एक एक नहीं तीन पॉलीपेप्टाइड ऑफ ट्रोपोनिन उसके, फिर ये बात पॉलीमराइज का मतलब समझ रहे हैं ना, छोटे टुकड़ों से बनी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन जो पड़ा है तो हम सबको कहेंगे थोड़ा ऊपर है, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है, सारे चलेंगे तो डी करना चाहिए ना। अगर सबसे स्ट्रांग ये दोनों हैं, ऐसा ना समझना कि एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आप कहें ओनली एक्टिन में है, ऐसा तो नहीं पूछ रहा आपसे कि कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, मायोसिन करता है या एक्टिन करता है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी है,
कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी के लिए है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। हाँ, अगर कोई एक पूछे दोनों में से, फिर आपने एक्टिन को चुनना है, मायोसिन को पीछे करना है, क्यों? क्योंकि मायोसिन खड़ी होती है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी में रोल है मायोसिन का। अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है मायोसिन से ज़्यादा। रेगुलेटरी, जो यहाँ पे सारे काम को रेगुलेट करे, कौन रेगुलेट करेगा? सोचना पड़ेगा, कौन रेगुलेट करेगा? थिन और थिक फिलामेंट दोनों में से जो प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन देना चाहो, ट्रोपोनिन सही बात है, ट्रोपोनिन सही है। रेगुलेट, काम करो ना करो, ये करो, ब्रिज बनाओ ना बनाओ, यही रेगुलेशन है ना, ट्रोपोनिन जिंदाबाद है ना। 127 रह गया। ऑल आर नन प्रिंसिपल इज एप्लीकेशन फॉर, बड़े काम का एमसीक्यूज था, किसने बताया? पहले आपने पीछे एमसीक्यूज में ए बैंड वाले एमसीक्यूज में दूसरा टिक किया है, ए बैंड मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, मैंने किया है। अब एमसीक्यूज वाला दो ऑप्शन पक्के सही हैं, तो मैंने इसको भी इज्जत दे दी, मैंने इसको भी इज्जत दे दी। आप कह रहे हैं इसको इज्जत नहीं देनी चाहिए, गलत करना चाहिए। एमसीक्यू टू एमसीक्यू वेरी करता है, वहाँ पे दिमाग एग्जामिनर की खोपड़ी बहुत स्पेसिफिक दी, यहाँ दे जनरल है, क्योंकि दो ऑप्शन सही पड़े हैं क्लियर हमने, तो इसको भी मैंने पहले कहा ये सही नहीं है कम्प्लीटली, मगर इन जनरल अगर पूछे ए बैंड और थिन और थिक बैंड, लाइट और डार्क बैंड में से मायोसिन का कौन बना हुआ है, यही कहेंगे। अगर जी एक्टिन मायोसिन और पॉलीमराइज प्रोटीन विद, सही है ना, जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है ये, एक्टिन एंड मायोसिन आर पॉलीमराइज प्रोटीन विद कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी था, स्पेलिंग का मसला है। एक सौ छब्बीस बी सही होगा, मनी 127 यार, इसमें क्या था? ऑल आर नन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर, क्यों भला? ऑल मसल बंडल इन अ मसल, ऑल मसल इन अ मसल, ऑल मसल इन मसल बंडल का मतलब, इस मसल का मतलब है सेल, है ना, बंडल के अंदर, या फेसिकल मतलब है, ऑल मायोफिब्रिल इन अ मसल बंडल, ये मसल बंडल कह रहा है पूरा सारा, ऑल मायोफिब्रिल इन अ मसल फाइबर, सी होगा, कैसे वकार भाई? ऑल मसल इन मसल बंडल, ऑल मायोफिब्रिल, तो भाई देखें जो मोटर यूनिट है, मोटर यूनिट का पूछ रहा है, ऑल आर नन रिस्पांस मतलब सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई नहीं करेगा, तो इसके पीछे बेसिक बता रहा हूँ, फिर ऑप्शन चुने, इसके पीछे बेसिक क्या है? कभी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे, कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तेज से, कभी स्पीड से, कभी स्लो, तो वेरिंग डिग्री है ना, तो बंडल के अंदर भी हम कुछ बंडल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ को नहीं, ऐसा है, तेज कॉन्ट्रैक्ट सारे को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक्चुअली जो ऑल आर नन रिस्पॉन्ड है ना, तो वो एक तो पहले मायोफाइबर्स फिब्रिल्स हैं सेल के अंदर जितने भी हैं उन पे एप्लीकेबल है, अगर हम मतलब एक सेल पे एप्लीकेबल है, एक सेल के सारे मायोफिब्रिल, ऐसा नहीं है आप 100 सेल है ना यहाँ पे, 50 को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं 50 को नहीं, क्योंकि टी ट्यूबुल सिस्टम बंद कर ले,
एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना करें कुछ का तो वो काम नहीं करेंगे। जिसका टी ट्यूब्यूल सिस्टम काम किया, मैसेज गया अंदर, ऐसा नहीं है कि उसमें आधे सार्कोमियर या निमायोफिब्रिल काम करेंगे आधे नहीं करेंगे, एक सेल के अंदर सारे के सारे करेंगे। तो ये सेल और मायोफिब्रिल की बात है। एक मसल के सेल के अंदर जितने भी मायोफिब्रिल हैं, मतलब सार्कोमियर हैं, वो सारे काम करेंगे या सारे नहीं करेंगे, ये बंडल की बात नहीं है। तो बंडल पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये क्यों कहा बंडल पे एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन स्लो, कुछ से काम ले सकते हैं, कुछ से नहीं ले सकते। क्या ये बाइसेप सारे के सारे एक ही काम करते हैं? इनका कोई ब्राकी है, कोई रेडियलिस है, कोई क्या है, कोई क्या है, तो किसी किसी मूवमेंट में इन तीनों में से किसी की किसी का काम नहीं होता, समझ आ रही है ना? तो ये सेल पर और मायोफिब्रिल पर काम होता है। क्या होना चाहिए? सी ऑल मायोफाइबर्स इन मसल बंडल, नहीं ना, मसल बंडल। देखें, सेल के अंदर मैसेज गया, या तो सेल के सारे मायोफिब्रिल काम करेंगे या तो सेल के सारे मायोफिब्रिल काम नहीं करेंगे। तो बंडल में से आधे काम कर सकते हैं, आधे नहीं, तो बंडल पे नहीं हुआ एप्लीकेबल। सेल के अंदर है, या तो सेल जीरो या तो सेल 100%। मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है, समझे मेरी बात को, ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं स्लो कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा हूँ तो क्रॉस ब्रिज स्लो स्लो बन रही है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ये मैं स्लो कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा हूँ तो 100 में से 5 मसल काम कर रही हैं, 5 सेल। अब 10, 20 तेज कर रहा हूँ तो 100 के 100, तो मसल के सेल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मतलब बंडल जो है वो आधी भी काम कर सकती है ना, हाँ, पौनी भी काम कर सकती है, सवाई भी काम कर सकती है। एक सेल आधा काम नहीं कर सकता, एक सेल पूरा काम करेगा या जीरो? क्योंकि कंट्रोल्ड बाय टी सिस्टम, टी सिस्टम ब्लॉक तो सेल ब्लॉक। सेल के अंदर आधा वादा नहीं है, आधा मुरन ये वो नहीं है, सेल पूरा या जीरो? तो सेल के अंदर सारे मायोफिब्रिल काम करेंगे या सेल के अंदर सारे मायोफिब्रिल काम नहीं करेंगे, समझ आ रही है? चलो, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। यार मात वरी भी पंजे ईमान दे पक्को भी आ दो नहीं, गूगल कभी गलत भी होता है, मगर मेरा ईमान इधर जा रहा है। खबर पता है, मैं जो लेवल रखता हूँ ना, दरमियानी रखता हूँ। हम जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं कितना स्पेसिफिक जा रहे हैं, कितना ये डिपेंड करता है। आप हम जो स्टूडेंट एमसीक्यूज बनाते हैं, चोरी करके इधर के उधर बुक्स बनते हैं, बुक्स वो एमसीक्यूज बनाने वाला बुक्स उठाता है, वो ले लेता है ये एमसीक्यूज वो, फिर चाहे वो एमसीक्यूज आपका बना हुआ हो, मेरा बना हुआ हो, किसी और का बना हुआ हो, किसी एकेडमी का बना हुआ हो, किसी का बना हुआ हो, वो ले लेता है। तो हम जो हमारा सराउंडिंग है ना, उसके साथ चलेंगे। ओवर थिंकर भी ना बने, फेल हो जाएंगे, ओवर थिंकर भी ना बने। क्या था, लोकोमोशन इज़ यूज फॉर, आज वाले एमसीक्यूज हैं। अच्छा सुने, हाँ, लोकोमोशन यूज फॉर फूड की सर्च के लिए भागते हैं एनिमल, सर्च फॉर मेट रिप्रोडक्शन के लिए, सर्च फॉर सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, सेम बात हो गई, स्केपिंग फ्राम एनिमीज, भाग जाओ भाई यहाँ पे चीता रह रहा है, लायन रह रहा है, हमारे रहने की जगह नहीं है, मतलब माइग्रेशन की बात है। तो ऑल ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऐसे मैंने करवाया क्योंकि पहला जो पेज है ना आधा इस चैप्टर का, उसमें ये चार चीज़ें मैंशन की गई हैं, तो इसलिए मैंने ये चारों ऑप्शन रख दिए। विच इज द मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, एमोबाइड कौन से सेल करते हैं, WBC, सिलियरी कौन से करते हैं, नजल, ट्रेकिया, फेलोपियन ट्यूब अंडे को धक्का देने के लिए, फ्लेजिलर, एस्पम, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज ड्यू टू
रिलैक्सेशन ऑफ मसल एटीपी देने से है कोई ऑप्शन? नहीं नहीं कोई और ऑप्शन भी देखें, डिपेंड अपॉन यहाँ पे वाले पंपिंग कैल्शियम परफेक्ट सही है, ए परफेक्ट सही है, ए परफेक्ट सही है। ये तो एक क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, ये छोटी रिलैक्सेशन फॉर वाइल एक ब्रिज तोड़ने के लिए, ये ताकत वाला ऑप्शन पड़ा है। तो एमसीक्यूज टू एमसीक्यूज आंसर बदलता रहेगा, ऐसा नहीं कहें वहाँ पे ये किया था तो यहाँ पे वही करना चाहिए। अगर ये एमसीक्यूज ना होता तो इसको धक्का दे देते हम, पर फिर भी कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है ये वाला। समझ आ गया? कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन एंड मास्किंग, मसला है ना, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज ड्यू टू द पंपिंग ऑफ कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, मतलब सार्कोमेयर से वापस इनटू ईआर, कैल्शियम गया, ट्रोपोनिन खाली, ट्रोपोनिन में चेंज आ गई। एक ने गुस्सा किया, दूसरी ने उसका फ़ायदा उठाया, ट्रोपोमायोसिन को जाके कहाँ पे फेंका, सॉकेट में, सॉकेट सारे अक्यूपाइड, तो ब्रिज नहीं बनेगी। और एटीपी ना होती तो भी काम नहीं होता। मगर ये जो ऑप्शन है इसको पीछे कर रहा है, हालांकि ये भी सही है। एटीपी का भी जब मसल रिलैक्स करती हैं, मतलब सारे जो मायोसिन हेड हैं वो टूट के जा रहे हैं ना, मतलब एटीपी लगी है ना, ऑप्शन ये सही है। मगर एमसीक्यूज वाला इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो आपको कह रहा है कि इसको रिस्पेक्ट ना दो, उसकी साइकी ये काम कर रही है। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? डी चुनेंगे। आल होता तो आल करते, नहीं दिया तो हम क्या करें? समझ आ रही है ना? पुट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मसल कॉन्ट्रेक्शन। भाई ये हो जाएगा आपसे, ये आपकी असाइनमेंट है। पहले क्या होगा फिर क्या, वही एक्शन पोटेंशियल, वही मैसेज आया, एसीटाइल आया, इधर से आया, उधर से आया, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। इससे साईं बस इो एम सी क्यू के मां पुछा जड़ो त ए बार छा था चवन इन के बारे में। छोकरा बाकायदे फार्म में सही अदा है छोकरा, हो भाई ये कर ले, ये तो आसान है, बुक की लाइन है, मैं क्या करवाऊं। हाँ बिल्कुल, ये भी कर लेना आप, इसको अच्छे से देख लेना। चलो जब तक सर आ जाए स्क्रीन पर तब तक एमसीक्यू सॉल्व कर लें जल्दी।